सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 6:30 बजे से, और नहा धो के मैं भी रेडी हो गई हूँ और घर में ना जल भी चढ़ा दिया है तुलसी के पास। और आज है सावन के महीने का पहला सोमवार, तो आज के दिन ना मतलब मंदिर भी जाते हैं, लेकिन घर में पूजा पाठ करो उतना बहुत है। लेकिन अभी ना हम फाटा मार्केट जा रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी तो उधर की साइड रोड ब्लॉक हो रखी है क्योंकि ऊपर से टूटा पहाड़, तो जिससे कि वहाँ रोड बंद हो रखी है अभी। तो देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। और आज आप लोग ब्लॉक में कंटिन्यू बने रहिए। और आज मौसम देखिए भाई, काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप नहीं खिली हुई है भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सामने वाली पहाड़ी पे काफ़ी भयंकर कोहरा छाया हुआ है। तो चलिए जी, अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं। बाकी ना अभी हम रास्ते में भी आ गए हैं, मेरे हाथ पे है ये थैला, इसमें मम्मी की सूट वगैरह सिलवाने के लिए देनी है, क्योंकि पिछली बार जब हम फाटा गए थे ना, मतलब कल हम जब फाटा गए थे तो वहाँ आंटी जी नहीं थी जिनके पास हम सूट सिलवाने के लिए देते हैं, तो आज दे देंगे वहाँ। बाकी कल मम्मी ना थोड़ा सा कपड़े भी लाई थी, मतलब पीस लाई थी कपड़ों का, 300 रुपये में थे कपड़ों के पीस, तो घर के लिए मम्मी को सिलवाने के लिए सूट लेके आई मम्मी, जो घर में पहने कपड़े होते हैं तो वो भी सिलवाने के लिए देने हैं आज, तो चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए भाई, छोटे छोटे वाटरफॉल हैं जो कि बरसात के टाइम काफ़ी भयंकर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, रास्ता पूरा साफ हो रखा है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रास्ता था, लेकिन रास्ते की हालत देखिए कुछ ऐसी हो रखी है। अभी यहाँ रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है और छोटे छोटे वाटरफॉल जो कि बरसात के टाइम ही दिखाई देते हैं। और ये देखिए भाई, तो रास्ता भी कुछ इस तरह से है। चलिए जी, अभी हम आधे रास्ते में भी पहुँच गए हैं। बाकी ना चढ़ाई वाला रास्ता क्या करते, हालत ख़राब हो गई है, अभी ना आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे हैं। बाकी यहाँ रास्ते में ना काफ़ी सारे पेड़ हैं, बुरांस हो गया, काफल हो गया, चीड़ हो गया, बांज घास उसके काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, जब नदी के उधर साइड है वो जंगल, मतलब पूरे हमारे गांव वालों का है, और नदी के इधर की साइड ये जामू वालों का है, मतलब ये जामू वालों के एरिया में आता है, और उधर की साइड हमारा और हमारा ही आता है। बाकी लोग ना हमारे जंगल में ना घास काटने के लिए आते हैं, मतलब जाल हो गया, वहीं के आते हैं। बाकी यहाँ से देखिए भाई, सामने पहाड़ियों पे ना कोहरा छाया हुआ है, अभी भी हटा नहीं है। अभी हम आ गए हैं यहाँ सीधे रास्ते में। बाकी यहाँ रास्ते में भी ना हल्का हल्का कोहरा सा छा रखा है, बारिश तो नहीं लग रही है लेकिन ना कोहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। हमें जाना है यहाँ से ऊपर, कि यहाँ से ऊपर रोड तक चढ़ाई है काफ़ी ख़तरनाक, और एक रास्ता ये वाला है, ये काफ़ी घना जंगल वाला है लेकिन काफ़ी डेंजर भी है। आजकल बरसात के टाइम यहाँ नीचे ना टूटता रहता है। ये वाला जो रास्ता है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक है, घना जंगल और झाड़ियाँ, ये देखिए इधर की साइड। तो हमने ना चढ़ाई वाला रास्ता तय कर दिया है, अभी हम आ गए हैं यहाँ रोड में। बावरे हालत ख़राब हो गई है, चढ़ाई वाला रास्ता तय करते करते वैसे ही पसीना भी आ गई है मेरे को। तो अभी हमें जाना है यहाँ जमल धारे में, वहाँ पे भी एक शिवालय मंदिर है, तो वहाँ पे थोड़ा जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फाटा मार्केट की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं ना हमें अभी, क्योंकि ट्रैफिक लग रखा है, क्योंकि सामने आगे ना रोड टूट रखी है, जैसे कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम कहाँ जाएं, तो चलते हैं। तो हम यहाँ रास्ते से थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे है शिवालय मंदिर, तो यहाँ पे देखिए वही पानी धारा भी है, गौमुख से पानी निकलता है। तो
यहाँ पे ये मंदिर है ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी दुकान वगैरह नहीं है, दुकान ढाबे वगैरह नहीं थे, पहले थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि प्रशासनों द्वारा जो छोटी छोटी दुकानें थी ना यहाँ ऊपर की साइड, तो वो तोड़ी गई, और कुछ नीचे की साइड भी थी लेकिन वो भी तोड़ी गई। लेकिन ऐसे ना, ऐसी जगह पर दुकान बनाना भी खतरे से खाली नहीं है। जो ढाबे वगैरह खोल रखे थे वो बरसात के टाइम ना हर जगह से टूटता है, पहाड़ों में वैसे कभी भी टूट सकता है बरसात के टाइम, तो इसलिए वो ढाबे वगैरह हटाए गए यहाँ से। अभी हम ना मंदिर में चलते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ अंदर ना लोथा भी मिल जाएगा और यहीं पे पानी भी है, तो गौमुख से पानी निकल रहा है, तो हम ना शिवलिंग पे वो चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। तो चलिए जी, अभी ना हमें यहाँ पे तांबे का लोथा भी मिल गया है, और मम्मी ने ना इसमें ना जौ भी डाल दिए है, हमने ना घर ही से जौ ला रखे हैं। मंदिर में तो हमने पूजा कर ली है, यहाँ बाहर पे भी है हनुमान जी की मूर्ति, तो यहाँ पे भी पूजा पाठ कर लेते हैं। और मम्मी ने ना घर ही से सामग्री ला रखी थी ना, मम्मी सब सामग्री मम्मी ने घर से ला रखी थी, धूप हो गया, पिठाई वगैरह हो गई, और जौ तिल वगैरह ला रखे थे, तो बाकी यहाँ पे मम्मी ने ना चावल भी ला रखे हैं, और ये चावल देते हैं, ये देखिए, और ये चावल मम्मी किसको देने हमने, अच्छा जोगी। तो हम मंदिर में आए थे, यहाँ पे हमारे दादाजी भी मंदिर में आ रखे हैं। दादाजी कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और घर में सब ठीक है? भोलेनाथ। और आपके घर में सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, घर में सब ठीक है? बस बढ़िया। तो आज पानी चढ़ाना है? हाँ, पानी ना जल चढ़ाना है। हाँ, तो जो चावल हम लाए थे वो यहाँ अंदर बाबा जी को देते हैं। तो मम्मी दे दिया आपने चावल? अच्छा, तो प्रसाद मिल गया हमें। तो जो प्रसाद था ना मम्मी यहाँ पे सबको बांट रही है, प्रसाद मम्मी बांट लिया प्रसाद। अच्छा, तो हमारी पूजा पाठ भी पूरी हो गई है। तो दोस्तों चलिए जी, सावन के पहले सोमवार हम यहाँ शिवालय मंदिर में आए थे, तो हमने जल भी चढ़ा दिया है। आप सभी लोगों पे भी शिव भगवान की कृपा बनी रहे, आपके और आपके पूरे परिवार पे। सावन के पहले सोमवार हम मंदिर में गए, काफी अच्छा लगा, और मैं दुआ करती हूँ आप लोगों की जो भी मनोकामना हो इस सावन के महीने पूरी हो जाए, और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी सभी YouTube फैमिली। और यहाँ रास्ते में देखिए भाई, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, और यहाँ ऊपर से ना एक साल हो गया है लगभग, तो यहाँ ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे गिरा, जिससे कि पूरा मलबा यहाँ रोड में, जिससे कि ना काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। नीचे एक कॉटेज बना हुआ था नया नया ही, और वो उस मलबे से पूरा दबा भाई नीचे, मतलब एक झटके में पूरा कॉटेज नीचे गया। और उसी टाइम ना हमारे गांव में भी बादल फटा था उसी दिन, और उसी दिन काफ़ी ज़्यादा हादसे हुए। अभी ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर, और फाटा मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। और मम्मी ना अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं दुकान पे मम्मी के कपड़े सिलवाने के लिए, क्योंकि आंटी जी ना कपड़े सिलती है, हम जो भी कपड़े लाते हैं आंटी जी सिलती है। आंटी जी कैसी हो आप? बढ़िया बढ़िया। जय शंकर भगवान की जय। तो पानी चढ़ा दिया? हाँ, हम भी जामेश्वर जा रखे थे पानी चढ़ाने, हाँ। अभी आई वहाँ से पानी चढ़ा। अच्छा, तो आंटी जी काफी अच्छे कपड़े सिलती है, और यही देते हैं हम पहले ना। थैंक यू। पहले आंटी जी की जो दुकान थी पहले वहाँ पे थी, और अब आंटी जी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और बहुत पुरानी टेलर है भाई, टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, अगर कोई भले मानस दुकान दे देंगे तो वही तो। और अंकल जी की नीचे है, वो भी स्वीट की दुकान है, मतलब मिठाई की दुकान है। तो चलिए जी, फाटा मार्केट में हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और मम्मी ने ना कपड़े दे दिए हैं सिलवाने के लिए आंटी जी के पास। बाकी
हमने छाता ला रखा था लेकिन मम्मी ने वो पता नहीं कहाँ खो दिया। तो अब चलते हैं, लगता है भीग के ही जाना पड़ेगा, तो चलते हैं भाई। अपने गांव के रास्ते में पहुंच गए हैं और इधर उधर साइड ना देखिए भाई घास जम रखी है और रास्ता देखिए जब बारिश लगती होगी तो पूरी मिट्टी ना यहाँ रास्ते में आ जाती है और रास्ता भी ना ऐसे फिसलन वाला है ना, ये देखिए। तो दोस्तों अभी ना हम यहाँ रास्ते में आएगी लेकिन यहाँ देखिए भाई काफ़ी बुरा फंस गए। यहाँ देखिए पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आ रखा है, अब क्या करें भाई। तो अब जाना पड़ेगा ऐसे रास्ते से होकर भाई, ये देखिए अब जल्दी जल्दी चलते हैं। अब पहले ये नहीं था यहाँ पे, ओ माय गॉड, ऐसे रास्ते में फटाफट जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पहले ये नहीं था और ऊपर से टूटा फिर ऐसा हुआ। जब ना कोई यात्री लोग बाहर से आते हैं ना तो मैंने कई बार देखा है कि वो ऐसे ना पहाड़ जैसे ऊपर से टूटने वाला होता है और वो नीचे से फोटो वगैरह खींचते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी ऊपर से पहाड़ या पेड़ टूट सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जी, फाटा मार्केट से घर भी आ गई हूँ और ना मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ, वो है ये चुनरी और ये सिंगार, मतलब ये माता का श्रृंगार का सामान है। तो जो ये चुनरी है ये मैं लाई हूँ तुलसी को चढ़ाने के लिए, तुलसी के पास मतलब इसको बांधूंगी मैं अच्छे से, और जो ये श्रृंगार का सामान है वो भी वहाँ पे रखूँगी। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर पे काफ़ी सारे तुलसी माता के पौधे हैं जो कि साल भर हरे भरे ही रहते हैं, और हम ना हर सोमवार के दिन सुबह में उसमें जल चढ़ाते हैं जिससे कि तुलसी का जो पौधा है वो कभी नहीं सूखता है और साल भर हरा भरा ही रहता है। तो ये चुनरी है, इसको ना तुलसी के वहाँ पे चढ़ाऊँगी। चलते हैं, आप लोगों को तुलसी का पौधा ही बताते हैं, एक भी नहीं है काफ़ी सारे हैं। तो चलिए जी, ये रहा तुलसी का पौधा। तो ये देखिए एक तुलसी का पौधा ये रहा और यहाँ नीचे की साइड भी हैं तुलसी का पौधा, दो यहाँ पर हैं और एक उधर सीढ़ी के वहाँ पर है। तीन तुलसी के पौधे ना यहाँ नीचे हैं चौक में और एक यहाँ पे है, और यहाँ पे हम हमेशा पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं यहाँ पे। तो चलिए जी अब चुनरी को बांधते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना तुलसी पे अच्छी तरह से चुनरी को बांध लिया है, और जो ये चुनरी है ना ये काफ़ी बड़ी थी भाई, तो मैंने कुछ इस तरह से वो किया है, इस पर बांधा है। और जो श्रृंगार का सामान था तो मैंने चूड़ी यहाँ पे रखी हुई है, बाकी और सामान उधर की साइड रखा हुआ है। तो ये कनस्तर में लगाया था हमने, जो ये कभी काफ़ी छोटा था, मतलब इतना सा पौधा लगाया था हमने। तो ये देखिए